इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज डिस्प्ले की सेटिंग्स, ये बेसिकली क्या रहती है और ये एप्लीकेशन भी दिखती हैं, तो उनमें से हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कहां पर ये सेटिंग्स मिलती है और इसका काम क्या है, सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि ये मिलती कहाँ पर है सेटिंग्स, जिससे कि आपको ढूँढने में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाइए आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले पर भी हम चलते हैं यहाँ पर। और डिस्प्ले पर जाने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो एज डिस्प्ले यहाँ पर हमें दिख जाती है। तो जैसे ही एज डिस्प्ले को हम खोलते हैं तो यहाँ पर ये आ जाती है। अब इसका काम क्या रहता है देखिए, जैसे कि ये मैसेजेस एप्लीकेशन पर मैं इनेबल करता हूँ, तो और इनेबल करने के बाद मैं मैसेजेस ऐप को यहाँ पर खोलता हूँ, ठीक है। ये रही मैसेजेस एप्लीकेशन, या नीचे से भी हम खोल सकते हैं। तो ये फुल स्क्रीन पर चलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज रहता है इसका, ये फुल स्क्रीन पर चल रहा है, इधर से भी देख लीजिए। बट हम जो है इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे ऑफ कर देते हैं क्लिक करके। अब क्लिक करके ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम मैसेजेस में दोबारा जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एज जो है यहाँ से बंद हो जाएगा। तो ये इसी चीज़ की सेटिंग्स रहती है ये। तो अगर आप पूरे एज पर चलाना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज आप जो है इसको डिसेबल ही रहने दीजिए। तो ये रहता है यहाँ पर एज डिस्प्ले, मे भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।